हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 पे। पाकिस्तान सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरकार के पास ईंधन सब्सिडी के लिए पैसा नहीं बचा है और ऐसी स्थिति में ईंधन सब्सिडी को खत्म करके ही हम धन जुटा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अब हमारे देश में उनके पाकिस्तानी मुद्रा में रुपया में 233 रुपया लीटर पेट्रोल रहेगा प्रति लीटर और 263 रुपया प्रति लीटर डीजल बिकेगा। एक दिन पहले इनके खाद्य मंत्री ने कहा था कि कृपया पाकिस्तानी लोग चाय पीना बंद कर दें, हमें चाय के लिए भी पैसा विदेश से उधार लेना पड़ रहा है। अब देखिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है और वो कहेगा कि भैया एक दिन हम सब कुछ कर गुजरेंगे। खैर, ओवरऑल अपडेट यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है और यह अपने मैक्सिमम ऊंचाई पर है। धन्यवाद।